हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो ये वीडियो है पार्ट नंबर नाइनटीन यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे पहले फार्माकोलॉजी के मैंने आपके साथ वन हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आज का पहला क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइटोइन किस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है सो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैनमल एपिलेप्सी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स कॉज बाय फिनाइटोइन इज सो डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हमें बताना है फिनाइटोइन की वजह से तो इसमें जिंजिवल हाइपर जो है वो एक डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट है मीन्स डोज की वजह से होने वाला एडवर्स इफेक्ट है फिनाइटोइन का सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेजम ऑफ बीगा वेटरिन एक्शन इज सो मैकेनिज़म ऑफ एक्शन बताना है बीगा वेटरिन का सो बीगा वेटरिन क्या है ये गावा न्यूरो न्यूरोनल रीअपटेक को इनहिबिट करता है फ्रॉम साइनपसिस सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टीगाविन इज सो so टिया तीआ, टियागाविन टियागाविन क्या है मीन्स इसका मैके ऑफ एक्शन हमें बताना है सो so, टियागाविन जो है वो न्यूरोनल एंड ग्लाइल रीअपटेक को ब्लॉक करता है किसके गावा के न्यूरोनल एंड ग्लाइल रियपटेक को फ्रॉम साइनेप्सिस सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूस पार्किसोने पार्किसोनियन सिंड्रोम्स सो कौन सा ड्रग जो है वो पार्किसोनियन सिंड्रोम इंड्यूस करता है सो इट इज क्लोरप्रोमाजिन क्लोरप्रोमाजिन जो ड्रग है वो पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स को इंड्यूस करता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनियन डिसऑर्डर सो इनमें से कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है पार्किंसोनियन डिसऑर्डर के लिए सो द ड्रग इज सेलेजिलिन सेलेन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनियन डिसऑर्डर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एजेंट विच इज प्रेफर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पार्किंसोनिज्म ऐसा एजेंट हमें सेलेक्ट करना है जो कि प्रेफर किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पार्किंसोनिज्म तो इसमें जो ड्रग एजेंट है दैट इज बेंच ट्रोपिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द पेरीफरल डोपा डी कार्बोक्लेज तो पेरीफ्रल डोपा डी कार्बोक्लेट इन इन्हीविटर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है सो द ड्रग इज़ कार्बीडोपा कार्बीडोपा इज पेरीफ्रल डोपा डी कार्बोक्लेज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेजम ऑफ कार्बीडोपाज एक्शन इज सो कार्बिडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है सो so, ये डोपा डी कार्बोक्सीट को इनहिबिट करता है पेरिफरली सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ लिवोडोपा बाई एनहांसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरेबरल मेटाबोलिज्म तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि लिवोडोपा के बेनिफिशियल इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है कैसे रिड्यूस करता है ये एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबोलिज्म को एनहांस कर देता है जिसकी वजह से लिवोडोपा का बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है सो so, ये किस विटामिन की वजह से होता है सो इट इज ड्यू टू पिरीडॉक्सिन पिरीडॉक्सिन की वजह से ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किसोन ड्रग्स हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू ट्रीट हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया तो एंटी पार्किसोनियन ड्रग को बताना है कि कौन सा ऐसा एंटी पार्किसोनियन ड्रग है जो कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है सो द ड्रग इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट अ सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ मोनो ऑक्सीजनेज बी मोनो ऑक्सीजनेज बी दैट इज माओ बी जिसे मोस्टली देखा जाता है सो so माओ बी का सेलेक्टिव इनिबिटर कौन सा है सो सेलेक्टिव इनिबिटर ऑफ माओ बी इज सेलेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सो so, इसमें माओ ए एंड माओ बी के बारे में दिया गया है कि ये किस चीज़ को मेटाबोलाइज करते हैं सो so, जो माओ ए है माओ ए मेटाबोलाइज नोर एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन को मेटाबोलाइज करता है माओ ए एंड माओ बी जो है वो मेटाबोलाइज करता है डोपामाइन को सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंटी पार्को एंटी पार्किसोनियन ड्रग्स इज एन एंटीवायरल एजेंट यूज इन द प्रोफाइल ऑफ इन्फ्लुएंजा ए इनमें से कौन सा ड्रग एक एंटीवायरल एजेंट है जो कि इंफ्लुएंजा ए की प्रोफाइल के लिए यूज़ किया जाता है सो अमंग दीज फोर ड्रग्स एमेंटाडीन एमेंटाडीन इज यूज एंटीवायरल एजेंट विच इज़ ऑल्सो एंटी पार्किसोनियन ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्क एंटी पार्किसोनिज्म ड्रग इज एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट सो एंटी पार्किसन ड्रग बताना है हमें जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है सो इट इज ट्राई हेग फेनीडिल ट्राई हेगजिक फेनीडिल सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल पोटेंशिएट्स। सो अल्कोहल क्या चीज़ पोटेंशिएट करता है क्या इसका रोल रहता है सो अल्कोहल बेसिकली सी एन एस डिप्रशेंट की तरह एक्ट करता है इट इज़ ऑल्सो वेसोडाइलेटर एंड इट हैज़ ऑल्सो हाइपोग्लाइसमिक एक्शन सो ये तीनों ही uh, इसके इफेक्ट्स हैं या इनको पोटेंशिएट करता है पोटेंशियट मीन्स इनके इफेक्ट को बढ़ा देता है सी एन एस डिप्रेशन के इफेक्ट को बढ़ा देता है बेसोडाइलेटर के इफेक्ट को बढ़ा देता है एंड हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स के इफेक्ट को भी बढ़ाता है सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन इन्हीबेटर ऑफ अल्टीहाइट डी हाइड्रोजेनेस इनमें से कौन सा एजेंट अल्टीहाइट डी हाइड्रोजेनेस का इन्हीबेटर है सो इट इज डाइसल्फीरेम ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग विच अल्टर्स ब्रेन रिस्पॉन्स टू अल्कोहल ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि अल्टर कर देता है ब्रेन रिस्पॉन्सिस को टू अल्कोहल सो द ड्रग इज नैलट्रेगजोन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन ओप्योइड एंटागोनिस्ट इनमें से कौन सा एजेंट एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है सो ओप्योइड एंटागोनिस्ट है नेल्ट्रैगोन एंटागोनिस्ट की बात करें एंटागोनिस्ट है नेल्ट्रेगजोन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स मे बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग मिथेनॉल एंड इथाइलियन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में कौन सा एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीडोट सो इन दिस द ड्रग इज़ फोमेपिजोल फोमेपिजोल कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर इथाइलियन ग्लाइकोल एंड मिथेनोल पॉइजनिंग सो यहाँ पे आज के ट्वेंटी एम सी क्यू क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं फार्माकोलॉजी के सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच